हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पाल्टी एके आलोक। वेलकम टू माय चैनल पाल्टी राइड्स। दिस इज माय वर्सेस 650। आई बॉट फ्यू मंथ्स अगो और जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और इसका तलाश में कर रहा था ऑलमोस्ट फॉर ईयर एंड हाफ। और उस टाइम में आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लिया, कुछ लर्निंग्स लिए और वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ सेकेंड हैंड बाइक और कार, सो इट विल बी यू नो वेरी हेल्पफुल फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो पहली है, ऑलवेज ट्राई टू बाय फ्रॉम ओनर, डायरेक्टली फ्रॉम द ओनर। होता क्या है कि मार्केट में OLX है, बहुत सारे ये डीलर्स अवेलेबल होते हैं जो आपके सिटी में रहते हैं एंड दे ट्राई टू सेल यू आउट लॉट ऑफ यू नो गुड बाइक्स विद लाइक माउथ वाटरिंग प्राइस, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यू नेवर नो, यू कांट ट्रस्ट दोज गाइज। और इसलिए हमेशा ट्राई टू सर्च ओनर से ही बाइक खरीदे और या कार खरीदे आप अगर करना चाहते हो तो, बिकॉज आपको गाड़ी का क्लैरिटी आती है और एक ट्रस्ट रहता है। डीलर्स लोग डू लॉट ऑफ स्टफ इन किलोमीटर एडजस्टमेंट्स, पार्ट रिप्लेसमेंट दैट यू विल नेवर रियलाइज। और आफ्टर सम टाइम जो आप लेने के बाद कुछ टाइम तक चलाते हो तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज लुक फॉर अ ओनर फर्स्ट एंड देन यू नो यू कैन गो अहेड विद द व्हीकल यू वॉन्ट टू बाय। सेकेंड हैंड बाइक्स या कार्स को सर्च कैसे करें, वो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई डीलर को अप्रोच नहीं करना चाहते हो, और डीलर को अप्रोच करना अच्छी बात है ही नहीं, अगर आप किसी ओनर को ढूंढ रहे हो तो किस तरीके से अप्रोच करें। एक पहली चीज़, उस जो कैटेगरी आप चूज़ कर रहे हो या जो कंपनी आप चूज़ कर रहे हो उनके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल होते हैं। अगर आप बाइक में हो तो कावासाकी, KTM, यू नो RE, सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वहाँ पे लोग चैट करते हैं एंड ऑल्सो इंटेंट टू सेल द बाइक। आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करो किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी पहचान के थ्रू। आप शोरूम्स में जाके ये बात कर सकते हो। सो ओरिजिनल जो नई बाइक सेल करने वाले शोरूम्स होते हैं वहाँ पे भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, विद इन द ग्रुप कोई सेल कर रहा है क्या, ऑल दैट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डज दैट। तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उस तरीके से आप ढूंढ सकते हो कि यहाँ यहाँ बाइक्स अवेलेबल है, यहाँ यहाँ ये ओनर सेल करना चाहता है, और उसके बाद आप डायरेक्टली ओनर से जाके वो बात कर सकते हो। तो वो एक आपके लिए अच्छी एक प्लेटफॉर्म रहेगा बाइक या कार मिलने के लिए, जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके लोगों से बात करके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कोई गाड़ी अवेलेबल है या नहीं, बट दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। नेवर बाय एनी कार और एनी व्हीकल इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ थर्ड ओनर। अगर आप तीसरे ओनर बनने जा रहे हो कोई भी व्हीकल के, तो ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग, इसको अवॉइड करें, बिकॉज ऑलरेडी दो ओनर हो चुके हैं और इसके बाद अगर आप रीसेल करने जाओगे तो आई मीन यू विल नॉट गेट एनीथिंग, आपको कोई प्राइस मिलेगा नहीं। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब दो ओनर बैक टू बैक सेल करते हैं, एक तो गाड़ी या कार जो कुछ वो लेते हैं वो उनको सूट होती नहीं है, या देर माइट बी सम प्रॉब्लम विच दे नो डोंट वॉन्ट टू टैकल। तो इस तरीके से वो हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक व्हीकल वैसा होता है, बट वो एक रिस्क होता है अगर आप थर्ड ओनर बनने जा रहे हो। तो अगर आप थर्ड ओनर बनने जा रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अवॉइड करें, उसको ना तवज्जो दे, और उसको यू नो लुक अ व्हीकल जो आपके लिए अच्छा है, कम साल चला हुआ है एंड फर्स्ट ओनर है, दैट विल बी मच मच बेटर चॉइस फॉर यू। अभी गाड़ी अच्छी है यानी ये कैसा जांच पड़ताल इसकी करें, सबसे पहली बात उसका सर्विस हिस्ट्री में आपको क्लियर समझेगा कि उसके किलोमीटर्स कितने किलोमीटर्स पे गाड़ी की सर्विस हुई है, और चेक करिए आपकी सर्विस इंटरवल भी जो है वो राइट किलोमीटर्स पे हुआ है कि नहीं, बिकॉज बहुत बार किलोमीटर एडजस्टमेंट के भी इश्यूज होते हैं, तो वो आपको उसमें क्लियर समझ में आएगा कि किस किलोमीटर्स पे ये गाड़ी सर्विस हुई थी और कितनी सर्विस हुई है। सेकेंड चीज़ आपको देखना है कि आप यू हैव टू टेस्ट राइड दैट पर्टिकुलर कार और बाइक, आप उसको टेस्ट राइड कर ले, बिकॉज आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा आ ही जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली या आप रेगुलर यूज़र हो किसी कार या बाइक के, और उसके बाद आप कोई नई लेना चाहते, कोई आप एडिशन करना चाहते हो आपके गैराज में, तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि वो गाड़ी अच्छी है या नहीं, थोड़ा सा अंदाज आ ही जाता है। सो सर्विस हिस्ट्री एंड टेस्ट राइड आर द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बिफोर बाइंग एनी कार और बाइक, सेकेंड हैंड बाइक। इसमें बोल इससे रहा हूँ कि अगर आप कभी डीलर के पास गए, खुदा ना खास्ता आपको कोई ओनर मिला नहीं और डीलर से लेना पड़े, बहुत सारे डीलर हैं टेस्ट राइड देने के लिए मना करते हैं। वो बोलते हैं कि आप कुछ अमाउंट भर दो, उसके बाद आप टेस्ट राइड लोगे, फिर अपन बात करेंगे, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आपको अमाउंट वापस देंगे ना, ऑल दैट, पर नहीं करना है। आई मीन फाइनली हार्ड अर्न मनी है, सेकेंड हैंड बाइक अगर हम ले रहे तो कोई गुनाह नहीं कर रहे, हर एक का अपना अपना पैसा होता है, तो उसको वाइजली स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है।
तो सर्विस हिस्ट्री चेक करे, टेस्ट राइड अच्छी तरह देख ले, और सर्विस हिस्ट्री में आपको उसके एक्सीडेंटल इश्यूज समझ में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और देन यू ऑल्सो गेट अ लुक ऑफ द कार, पूरी तरीके से गाड़ी का लुक एक बार चारों तरफ से कर ले, रैंडम लुक हम जैसा करते हो, तो उसके बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा स्क्रैचेस, डेंट्स या कोई इश्यूज कुछ है, कभी कभी रीपेंटेड के हुए पार्ट्स भी आपको इजीली ध्यान में आ जाते हैं, तो उसको ज़रा केयरफुल देखे तो आपको उसका अंदाज़ा आ जाएगा। अगर आप कोई भी बाइक या कार खरीदते हो सेकेंड हैंड, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप उसमें वन टाइम का सर्विसिंग कॉस्ट ऐड करके उसको पकड़े, यानी अगर आप 4 लाख का बाइक ले रहे हो या कार ले रहे हो, तो पकड़ लो आप 4,20,000 उसमें डालना चाहोगे या डाल रहे हो ऐसा समझ के चलना, बिकॉज कितनी भी बाइक सर्विस रहो, कितनी भी बाइक अच्छे कंडीशन में रहो, यू नेवर नो उसमें थोड़े बहुत यू नो प्रॉब्लम आ ही जाते हैं एंड देन यू हैव टू रिपेयर दैट, तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आने से अच्छा पहले ही मन पक्का कर रखे कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा खर्चा आएगा, उसके बाद अच्छा बना के यू नो यू कैन यूज इट फॉर ईयर एंड ईयर। सो दीज आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमेशा याद रखे कि यू आर फाइनली बाइंग अ सेकेंड हैंड बाइक और कार, तो इट्स अ सेकेंड हैंड, यू नो देर विल बी सम स्मॉल निगल्स, देर विल बी सम स्मॉल इश्यूज, बट यू शुड हैप्पीली टैकल इट एंड यू जस्ट टेक केयर ऑफ द बाइक और कार का, आप जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हो उसका अच्छी तरह ध्यान रखें, डे टू डे उसका वॉशिंग, क्लीनिंग, टाइमली सर्विस, ये सब चीज़ें करेंगे, आई थिंक यू नो इट विल लास्ट लॉन्गर, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहता था, दिस इज ऑल वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ एक कमेंट करके और थम्स अप देके इसको आपका सपोर्ट बताइए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली आपको डिसलाइक का बटन है, ये कोई टेंशन नहीं उसका। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर दे, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट एज अर्ली एज पॉसिबल, थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, पार्टी राइट्स।